अभी यहाँ पे हम आए थे हंटर का रिव्यू करने, लेकिन यहाँ पे देख लो हंटर ओवर हीट की जैसे स्टॉप हो गई है। देख लो हम पहला लगा के स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही भाई। इतने घंटे से स्टार्टिंग है, कितनी की स्पीड पे हम पहला लगा रहे हैं चेक करो, 50 की स्पीड में पहले लगा, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होने की। तो ये कि भाई अपने पैसों में आर लगा भयंकर, ये आईनस मतलब देख लो अभी हम इसकी बैटरी डेड हो चुकी है, हीटिंग इशू के लिए बंद हो चुकी है। अब देख लो 40-50 की स्पीड पे क्लच छोड़ के इसका स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट करके दिखा दूँ, देख लो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही कोई। भाई पेट्रोल भी इसके अंदर फुल है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मोटर व्लॉग्स। तो कैसे आप सब लोग, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बाइक KTM पे राइड नहीं करने वाले, आज हम करने वाले हैं अपनी एक बाइक का रिव्यू। बहुत प्यारी बाइक वो है, हाइनस CB650। भाई मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बाइक है। आज मैं आपको अपना रिव्यू बताऊंगा जो मेरे हिसाब से पर्सनली क्या रिव्यू है, क्योंकि मैं उसे 10-15 डेज से चला रहा हूं, बहुत डेली मतलब चला रहा हूं। मैं उसके बारे में ढंग से रिव्यू करूंगा, जो मेरे को उसके बारे में अच्छा लगता है और जो मेरे को बुरा लगता है। आइए देखते हैं, बैठ कर मजा आएगा। सो गाइस ये है वो बाइक, ये है होंडा की हाइनस CB650, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ओ भाई ये मेरे दोस्त ने ले रखी है ब्लैक कलर में, ये इसका बीच बीच में यहाँ पे क्रोम टच है। भाई मेरे को भी पर्सनली बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी अगर आप आवाज़ सुन लोगे ना स्टॉक के हिसाब से, भाई जो आवाज़ इसकी डोक 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 डोक, भाई बहुत बढ़िया है। इनिशियल टॉर्क भाई बहुत ज़्यादा प्यारा है, वन क्लिक स्टार्ट है। और भाई बहुत सारी इसके अंदर और अदर फीचर्स आते हैं, जैसे डुअल चैनल ABS आता है। पावर फिगर्स की बात कर लें तो इसके अंदर हमें मिलता है 348cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन, जो हमें देता है 120-130 स्पीड। मैंने इसकी पहले ही स्पीड टेस्ट कर चुका हूँ, इस बार भी आपको स्पीड टेस्ट करके इसमें दिखा दूँगा। ये आता है 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ, 21 PS की पावर जनरेट करता है 5500 RPM पे, 30 Nm का टॉर्क आता है इसका 3000 RPM पे। सो भाई 30 Nm का टॉर्क मेरे हिसाब से तो इस बाइक के लिए इनफ है, यहाँ तक कि रॉयल इनफील्ड से 3 Nm टॉर्क ज़्यादा ही है इसमें। वो क्या भागती है भाई ये, इसका जो मतलब इनिशियल स्पीड है ना एकदम से उठती जो है बहुत अच्छे से उठती है। मेरे हिसाब से इससे व्हीलिंग बहुत आराम से हो जाएगी, जैसे कि हमने भी ऐसा स्टंट वगैरह को इससे ट्राई नहीं करा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई ये भागने के अंदर बहुत अच्छी है। और ये जिसके ज़्यादातर जो जगह जगह पे इसकी क्रोम फिनिश रखे थे ये और मेरे को इसमें पर्सनली यही चीज़ बढ़िया लगी कि इसके अंदर डुअल डिस्क आती है आगे भी और पीछे भी, डुअल चैनल ABS है भाई। और जो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है ना पर्सनली बहुत बढ़िया है भाई। अगर आप 120-130 आराम से टच कर रहे हो ना तो मतलब आपको डर नहीं लगेगा कि यार ब्रेक मारने में कुछ भी दिक्कत है, नहीं भाई बहुत जल्दी रुक जाएगी। और पर्सनली मेरे को तो भाई इसके अंदर इसकी आवाज़ भाई बहुत बढ़िया आवाज़ है भाई। और इसके पीछे से लुक्स, अब एक बार इसके पीछे से लुक्स देख लो भाई, लुक्स चेक कर लो भाई, मेरे को तो भाई बहुत बड़े लगे। LED इंडिकेटर मिल रहे हैं इसमें, LED हेडलाइट मिल जाए, ये कोई बाहर से लगवाई भी नहीं है भाई, ये फुल्ली बाइक स्टॉक बना रखी है, कुछ भी हॉर्न वगैरह कुछ भी इसमें बाहर से नहीं है, सब इसमें इनबिल्ड है। और भाई एक तो ये इसका चार्जिंग पोर्ट, मेरे को भाई रॉयल इनफील्ड में तो चार्जिंग पोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर मिला भाई, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये। इसके पीछे हाइड्रोलिक सस्पेंशन भाई मेरे हिसाब से सिटी के लिए बहुत बढ़िया बना रखे हैं। ये मान लो बड़े से बड़े गड्ढे में भी कुदा दोगे ना, टच ऑफ भी पता नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है इसमें, बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैं तो सही बता रहा हूँ भाई, मेरा पर्सनल यही है कि भाई होंडा के शोरूम जाओ, आप इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव बुक करो भाई, आपको एक बार चला दे इस पर दिल आ जाएगा। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जो भाई मेरे को बहुत बुरे लगे। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी दगड़ में यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं रिव्यू करने के लिए खड़ा हूँ, बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसके एक बहुत बड़े इशू की वजह से, वो है इसका हीटिंग इशू। भाई ये बिल्कुल हार्ले डेविडसन की तरह है भाई, इसमें हीटिंग इशू आए गाड़ी साइड में लग गया, स्टॉप ख़त्म बेकार। अब देख लो मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दूँ, देख लो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होने की कोई। भाई पेट्रोल भी इसके अंदर फुल है भाई, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होने की। ये है इसकी हीटिंग इशू भाई, बहुत बेकार है भाई हीटिंग इशू के मामले में। तो ये मान लो दूसरी हार्ले डेविडसन है भाई, अगर हीटिंग इशू में अगर आपने कहीं बंद कर दी ना भाई, ख़त्म, वहीं पे बंद रुक जाएगी, वहीं पे रह जाएगी भाई। देखा जाए तो और सारी चीज़ तो बढ़िया है, और एक ये दूसरी चीज़ ये भाई बिल्कुल यूज़लेस है, अगर 3 जने बैठा के चल रहे हो ना तो भाई बहुत टाइट भी पकड़ना पड़ेगा, वरना पीछे इंसान गिर जाएगा। थर्ड इशू मेरे को ये लगता है ये, क्योंकि मैंने इसे इतना तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करा, मेरे को बहुत कम थोड़ा बहुत चलाई है 15-20 डेज में, यार कोई क्या ही बता देगा एक बाइक के बारे में। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैंने भाई KTM को मैंने ऑन कर दिया, 6 मंथ करीब हो चुके हैं, 6-7 मंथ हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपनी KTM RC 200 की रिव्यू वीडियो ज़रूर लाऊंगा, क्या मेरे को उसके अंदर डिसएडवांटेज, क्या उसके अंदर एडवांटेज लगते हैं, मैं उन सब के बारे में डिस्कस करूँगा।
मेरे को इसके अंदर थर्ड डिसएडवांटेज लगता है ये भाई, ये मतलब होंडा वालों क्या हो गया, मतलब अपने बटन्स को आगे पीछे करके क्या मज़ा मिल जाता है उन्हें। देखो नीचे आना चाहिए और इंडिकेटर का ऊपर आना चाहिए, जब भी मैं किसी को हॉर्न देने की कोशिश करता हूँ ये यही दबता रह जाता है। और सब तो यार बढ़िया इस बाइक में, लेकिन यार ये बहुत बेकार है कि भाई हीटिंग इशू, अगर भाई आप अपने पेरेंट्स को भी दे रहे हो ना कहीं जाने के लिए, भाई अगर उन्होंने कहीं बंद करी हीटिंग इशू होने के बाद, वो ऐसे ही रह जाएंगे रोड के बीच में खड़े रह जाएंगे भाई, अभी ये स्टार्ट नहीं होने की। अब पता नहीं इससे पहले भी ये बंद हो गई थी, कम से कम 10-20 टाइम्स हमने इसको धक्का लगाने के बाद स्टार्ट हुई थी। मैं उसकी क्लिप आपको अभी ऐड कर दूंगा, देख लो ये अभी स्टार्ट नहीं होने की। मैं भाई इससे तो लाख गुना बढ़िया भाई बुलेट, मैं तो सही कह रहा हूँ गाइस, अगर किसी को भी हार्नेस लेनी हो ना भाई अपने पैसे में आग लगा लेना, लेकिन बाइक मत लेना। ये भाई सीजनेबल बाइक है, मैंने वर्ल्ड में अभी पहली बाइक देखी जो सीजनेबल है भाई। यार ठंडो के साथ की है, वैसे नहीं है भाई इसमें कुछ भी। अब देख लो हम पैर लगा के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हमने पैर लगा रखा है, ये चेक करो और स्पीड देखोगे, ये देखो स्पीड देख ना, हम पैर लगा रहे हैं 50-60 की स्पीड पे यार बिंदुलाशी देख रहा है कैसा आ रहा है, ये देखो नहीं होने की अबे यार आज इस बाइक ने ले ली भाई। नहीं होने की गाइस, जमीन नहीं हो ही नहीं कोई, व्हाट द फक यार। न्यूट्रल पे तो भाई मतलब इतना हीटिंग इशू तो भाई केटीएम के साथ भी नहीं है। मेरे जैसे जिस कॉम्पीट की वजह से इसको बनाया जाता ना कि यार हंटर को इसको कॉम्पीट करेंगे, मेरे हिसाब से भाई इसको बेकार है, इसमें पैसे लगाना भाई इससे बड़े तो हंटर ले लो। लोगों ने सोचा था कि भाई अब तो रॉयल होंडा वालों ने भी ऐसी बाइक निकाल दी है क्रूसर टाइप में, भाई मैं तो कह रहा हूँ कोई सी भी कंपनी निकाल ले, लेकिन रॉयल एनफील्ड को बीट नहीं कर सकती। तो झुके रहना पड़ेगा, अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल। रॉयल एनफील्ड भाई कितनी भी गर्म हो जाए कितनी भी वो चलती रहेगी, वो उसमें नहीं आने का कोई भी इशू, जैसे इसमें आ गया खड़ी रहेगी ये, पता नहीं कितनी देर में जाएंगे। जैसी ये सही होती है गाइस अभी इसका आपको स्पीड टेस्ट करके भी दिखाते हैं और पर्सनल रिव्यू भी इसका मैंने पूरा पर्सनल। इससे कुछ डिसएडवांटेज में और इसके एडवांटेज में, जैसे डिसएडवांटेज जैसे बटन्स, ये इसके मिरर्स, इसका हीटिंग इशू, और भाई ये जो चार्जिंग पोर्ट है ना भाई बहुत बेकार चार्जिंग करता है। ये मान लो मैंने तो चार्जिंग पे लगाया और उसके बाद भी चार्जिंग नहीं कर रहा था सही से, मतलब ये मान लो सारी चीज़ सस्ती हैं। देखो ये ग्रिल इससे मतलब पंजे से मिलने को भी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम इससे ही लगा के पैर लगा रहे थे ना इतने घंटों से। आवाज़ के मामले में तो बढ़िया है भाई, जब आप अभी जब ये जैसी स्टार्ट हो जाएगी मैं इसकी आवाज़ सुना दूंगा सिटी में। व्हील्स भी इसके बहुत बढ़िया हैं, लीन वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ये क्रूसर है इसके लीन करना तो भाई वैसे भी डेंजरस है। अभी इसका स्पीड टेस्ट करके आपको दिखाते हैं, डायरेक्ट रोड में मिलते हैं डायरेक्ट। अभी हम आए थे हाइनेस के रिव्यू वीडियो बनाने, लेकिन अब देख लो भाई सही बताऊँ मेरे पर्सनल रिव्यू तो ये है कि भाई अपने पैसों में आग लगा लो भयंकर, ये हाइनेस मतलब देख लो। अभी हम इसकी बैटरी डेड हो चुकी है, हीटिंग इशू के बंद हो चुकी है, अब देख लो 40-50 की स्पीड पे क्लच छोड़ के इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी स्टार्ट नहीं हो रही। अगेन गाइस 828 देख लो हम रॉन्ग वे पे लगाते हुए, चेक करो गाइस जलवा है हमारा, ये नहीं हो रही भाई, ये नहीं होने की। अब तो पहले तो गुड़ कर भी रही थी, अब तो बूम 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 बस। गाइस आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी,
कितनी मस्त आ रही है, मतलब स्टॉक के हिसाब से तो यार अच्छी साउंड है इसकी, स्टॉक के हिसाब से तो फुल डिवाइस स्टॉक है, हल कुछ भी इसमें मॉडिफाई नहीं करा हुआ, यहाँ तक कि हॉर्न तक मॉडिफाई नहीं है इसमें, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। देख रहे भाई, या कभी मैं बार बार इंडिकेट वो कर रहा हूँ ना, हॉर्न दबा रहा हूँ तो हमेशा इंडिकेटर ऑन हो रहे। लॉब आवाज चेक करो। ओ यार हैंडलिंग भाई सिटी के हिसाब से भाई बहुत चढ़ी हैंडलिंग है, तो एडवांटेज है ना भाई, ये हीटिंग इशू है भाई, 57 टाइम्स हमने ट्राई करा उसके बाद जाके अब स्टार्ट हो रही है ये। देख रहे हो वेल भगना को तो तीसरे गियर में 100 भग रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, और ABS वर्क कर रहा देखो इधर को, तो आवाज़ में कितना बेस है भाई, बिल्कुल जैसा कॉन्टिनेंटल GT की आवाज़ है ना भाई, बिल्कुल वैसी आवाज़ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्मूथ। लेकिन क्या ही करोगे इस स्मूथ आवाज़ का, जब वो गर्म होते ही बंद हो जाएगी भाई, सीधा निकाल। देख रहे हो आवाज़, बस आवाज़ के पैसे हैं भाई। लेकिन मेरे हिसाब से यार इससे कैडी आवाज़ हंटर की भी है, रॉयल एनफील्ड की हंटर, वो भी बहुत प्यारी बाइक है, उसका भी हम नेक्स्ट टाइम पे रिव्यू कर देंगे। लेकिन उससे पहले आया मेरी KTM RC 200 BS6 का रिव्यू, अगर फिर से इसने हमारा साथ दिया, मतलब हीटिंग इशू नहीं करे, तो हो सकता है इस पर माइलेज टेस्ट वीडियो बना सकते हैं। जितना गूगल पे लिखा है ना भाई, गूगल के हिसाब से भाई कभी बाइक मत लेना, गूगल पे 45 का माइलेज लिखा है भाई, इसका जो ओनर है वो कह रहा भाई 20 का है भाई, बहुत कम मिल रहा है वो भाई। देखा जाए तो इसके हिसाब से तो रॉयल एनफील्ड बढ़िया BS6, वो कितना अच्छा एवरेज दे रही है और आवाज़ वगैरह सब बढ़िया उसका। तो गाइस वापस हमने अपनी अपनी बाइक स्विच कर ली थी, मैं वापस आ गया हूँ अपनी KTM पे। तो गाइस इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, दिस इज सचिन मोटर व्लॉग साइनिंग ऑफ, बी सेफ राइड सेफ। भाई आज हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना, बाइक को धक्का लगा लगा के इतनी गर्मी में, अब तो ऐसे शाम हो गई है, लेकिन अब इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना भाई, बस क्या ही बताऊँ उसके बारे में। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट करके जरूर बताना कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की, नेक्स्ट वीडियो आपको KTM का रिव्यू चाहिए या रॉयल एनफील्ड वर्सेस हाइनेस का रिव्यू चाहिए या हाइनेस का माइलेज टेस्ट चाहिए।